मोहब्बत का पैगाम लेकर गया था और आज उसका फल मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं पाकिस्तान सरकार का। अब नकारात्मक सोच वालों का मुंह भी बंद हो गया है। ये कहना है पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू का। सिद्धू आज खुशी से लबरेज नजर आए। उनकी खुशी उनकी आंखें ही नहीं बल्कि शब्द भी बयां कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के लिए खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा है कि आज मेरे यार दिलदार, और अब यार दिलदार क्या, अब तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, इमरान खान साहब की तरफ से ये खुशखबरी आई है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत करके, रेंजर्स क्या बाकी सब, उन्होंने बातचीत करके ये फैसला किया है, और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आने वाला है कि वो बाबा नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर साहब का लांघा खोलने के लिए तैयार हैं। हर पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। इससे बड़ी नयामत, इससे बड़ी गिफ्ट बाबा नानक की तरफ से हमारे लिए कोई भी हो नहीं सकती। कोई हीरा मोती जवाहरात या कोहिनूर तुलना में इससे मूल्यवान नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने गुरु नानक देव जी की 550वीं पुण्यतिथि पर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का मतलब है कि भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए जा सकेंगे। इसके लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के करतारपुर के बीच महज 3 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को पार करने के लिए सिख श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। सिद्धू ने जनरल बाजवा से गले मिलने को कभी गलत नहीं बताया। सिद्धू ने कहा था कि अगर करतारपुर कॉरिडोर खुलता है तो मैं किसी के भी पांव पड़ सकता हूं। मेरी विनम्र विनती है हर सरकार में बैठे औहदेदार भारत की सरकार को कि वो 2 कदम चल दिए हैं, आप अब 1 कदम चलिए, और इसमें सरबत का भला है, इसमें आपकी जय जयकार है। मेरा जीवन सफल हो गया, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन की और कोई तृष्णा भी नहीं रह गई। मुझे अगर कोई कहेगा कि इसमें 1 सूत और आगे चलने के लिए तुम्हें लेट लेट के जाना है तो मैं लेट लेट के भी चला जाऊंगा। किसी के चरणों में मुझे पगड़ी भी रखनी पड़ी तो मैं वो भी रख दूंगा, क्योंकि ये हर पंजाबी के लिए एक नायाब अनमोल तोहफा है। करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर हरियाणा पंजाब के नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो हम उस बात का स्वागत करते हैं, और देश की सरकार से भी कहते हैं कि उनका अगर ऐसा निर्णय है तो वो लोग भी, बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तान के भी जो अजमेर शरीफ आना चाहते हैं, जो पानीपत में आना चाहते हैं, उनके लिए भी आप इसी तरह का कोई सरल रास्ता निकालो ताकि वो भी अपने धर्म की जगह पर आ जा सकें। श्री करतार साहब करतारपुर साहब के गुरद्वारा साहब के लंघे की गल है, ये तो कोई दो रावान नहीं कि सारी सिख कौम की सांझी मंग है, और ये वो मंग है जी सिख कौम ने अपनी अरदास शामिल की हुई कि जो श्री हरिमंदर साहब के भी सवेरे अरदास होंगी है तो वो भी जिन्हें गुरद्वारा खालसा पंथ तो छोड़ा गया उन्होंने खुले दर्शन दीदार की गल जी है वो हर रोज़ अरदास होंगी है। जितने भी कोई सिख बैठा अरदास करता है वो इन्होंने गुरधामों के खुले दर्शन की गल करता है। इस तो वड्डी गल की हो सकती है, कोई भी मंग मेरे ख्याल इस तरह किसी कौम ने नहीं मंगी होनी कि जो अरदास का हिस्सा बना के मंगी होगी जिन्हें मंग जी है सिख कौम ने मंगी। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे को लेकर भले ही विवाद हुआ हो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में इस कॉरिडोर को खोलने के लिए बड़ी बैटिंग की थी। करतारपुर कॉरिडोर का खुलना सिख कौम की आस्था की जीत मानी जा रही है। हालांकि अभी इस पर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।